नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK Job Alert में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों EFL यूनिवर्सिटी यानी कि द इंग्लिश एंड फॉरगेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, उन्होंने नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है और ये है जी हैदराबाद, शिलोंग, लखनऊ में, ठीक है जी, तीन जगह इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी डिटेल मिल सके, कौन सी पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है, क्या आपकी सैलरी रहेगी और ठीक है जी, और कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज और कैसे इसको अप्लाई करना है। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आगे आने वाली गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है जी। EFL यूनिवर्सिटी द इंग्लिश एंड फॉरगेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, आपकी हैदराबाद के अंदर है और रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी हैदराबाद में, शिलोंग में और लखनऊ में, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी और ये देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, ठीक है जी, यानी कि टीचरों की वैकेंसी रहेगी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है 1/2020, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पूरी बुकलेट दी हुई है इसको डिटेल से हम देखेंगे। ये आप देख सकते हो इसमें इन्होंने कह रखा है कि ये पहले भी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 12 जुलाई 2019 को, ठीक है जी। अब उसका सुपर सेंक्शन और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आया हुआ था, ठीक है जी, सुपर सेंक्शन, और ये आपका अब फिर से नई एडवर्टाइजमेंट आई है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ की फर्स्ट है डिपार्टमेंट वाइज रहेगी, ठीक है जी, प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टोटल पोस्ट आपकी कितनी रहेगी, ठीक है जी। ये फैकल्टी आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी हैदराबाद में और रीजनल कैंपस में एट शिलोंग एंड लखनऊ में, ठीक है जी, तीन कैंपस में आपकी इसमें एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। तो ये आप फर्स्ट देख सकते हो लिंग्विस्टिक एंड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश के लिए आपके प्रोफेसर, ठीक है जी, ये आपके डिपार्टमेंट हो गए। प्रोफेसर के अनरिजर्व की एक पोस्ट रहेगी इसके अंदर और एसोसिएट प्रोफेसर की SC कैटेगरी 1 पोस्ट है, 1 OBC की है, यानी टोटल आपकी रही 3 पोस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट दे सकते हो फोनेटिक एंड स्पोकन इंग्लिश की अनरिजर्व की 1 पोस्ट रहेगी प्रोफेसर के लिए, ठीक है, टोटल 1 पोस्ट है इसकी। थर्ड आपका इंग्लिश लेक्चरर के लिए, इसके 2 पोस्ट रहेगी अनरिजर्व के लिए प्रोफेसर के लिए और 3 पोस्ट है जी जिसमें इसकी एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसमें 2 रहेगी आपकी अनरिजर्व की और 1 रहेगी आपकी SC कैटेगरी की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 अनरिजर्व है और 1 SC VH है, ठीक है जी, इसकी टोटल रहेगी आपकी 7 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट आपकी कंपेरेटिव लेक्चरर एंड इंडिया स्टडीज, ठीक है जी, इसकी आपकी अनरिजर्व की रहेगी 1 पोस्ट। नेक्स्ट रहेगा आपकी कम्युनिकेशन की, जिसमें आपकी EWS की 1 पोस्ट रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 1 पोस्ट रहेगी OBC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि टोटल रहेगी आपकी 2 पोस्ट। नेक्स्ट आपका इंग्लिश एंड सेकंड लैंग्वेज स्टडीज, इसकी आपकी प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट रहेगी आपकी अनरिजर्व और 1 पोस्ट रहेगी SC कैटेगरी के लिए, 4 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 1 EWS और 1 अनरिजर्व रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसके टोटल रहेगी 6 पोस्ट। और ये आप देख सकते हो जो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग, ठीक है जी, पोस्ट हैं उसमें आप देखो प्रोफेसर की इसमें 2 पोस्ट हैं, इसमें 3 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट होगी, 1 अनरिजर्व है, 2 अनरिजर्व एसोसिएट के लिए, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पोस्ट हैं। इस तरह से आप करके ये देख सकते हो टोटल, या आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है जी, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल सके कैटेगरी वाइज कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसमें नीचे, ये आप देख सकते हो इसमें ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए पोस्ट हैं टोटल, ठीक है जी, जेमनेटिक और स्टडीज़ के लिए, हिंदी के लिए, OBC के लिए 1 पोस्ट आएगी। और ये आप देख सकते हो लास्ट में देख सो शिलोंग कैंपस के लिए पोस्ट आई हुई है, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन की प्रोफेसर की 1 पोस्ट आएगी, ठीक है जी, लेक्चरर इन इंग्लिश की एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट आएगी SC कैटेगरी में, ठीक है जी।
अब बात करते हैं लखनऊ कैंपस की। लखनऊ कैंपस में आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन की 1 पोस्ट आई प्रोफेसर के लिए, और लेक्चरर्स इन इंग्लिश की 1 प्रोफेसर के लिए, 1 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, टोटल रहेगी 2 पोस्ट, यानी कि आपकी टोटल पोस्ट आएगी 58 पोस्ट है, ठीक है जी। इसमें आपकी 18 पोस्ट आएगी प्रोफेसर के लिए, 27 पोस्ट आएगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और 13 पोस्ट आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है जी। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो साइट से डाउनलोड करना है, ठीक है जी, और आपको ये पहुंचाना है, आपको लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 जून 2020 को शाम के 6 बजे, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक मेंशन कर रखा है जिसने ये पहले 12 जुलाई 2019 को भी भरा था, उसे अगेन रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन, उन्हें दोबारा फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। दे नीड नॉट टू पे एप्लीकेशन फी अगेन, उन्हें फीस दोबारा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दे सकते हो आप, इसमें दे रखा है वे कैंडिडेट को रूटीन में टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना है, ठीक है जी। नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग ऑफिशियल ये है वेबसाइट देखिए www.efluniversity.ac.in, ठीक है जी। ST को मार करके रजिस्टर, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, ये आप देख सकते हो पूरी डिटेल से दिया हुआ है इन्होंने, UGC गाइडलाइंस के अंडर दे रखे हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं, इसमें प्रोफेसर की सैलरी दे रखी है, ठीक है, लेवल 14 रहेगा, पे बैंड रहेगा 1,44,200 से 2,18,200 रुपये, ठीक है जी, आपका सैलरी का होगा। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन, इसमें मास्टर डिग्री मार्क के 55% मार्क के साथ में, ठीक है जी, और साथ में PhD इसमें मेंशन करके आप ये दे सकते हो, स्कॉलरशिप PhD। और नेक्स्ट बात करते हैं, अब अभी सेकंड दे सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, लेवल रहेगा 13 और आपका पे बैंड रहेगा 1,31,400 से 2,17,000 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी, ठीक है, जिसमें आपके मास्टर डिग्री मार्क के 55% मार्क के साथ में और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ PhD का रिकॉर्ड मार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेवल रहेगा 10, सैलरी रहेगी आपकी 57,700 से 1,82,400 रुपये, ठीक है जी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मार्क के 55% मार्क के साथ में, इसके में UGC नेट और SLET क्वालिफाई मार्क का साथ में PhD डिग्री मार्क की, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो आपके PhD डिग्री इसमें कर रखा है, वे रेगुलर मोड होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये आप देख एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होना चाहिए इसमें, थीसिस के रिगार्डिंग ये पूरी आप डिटेल पढ़ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। और ये दे रखिए डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन, दे रखा स्पेशलाइजेशन भी इसमें में आपके कौन कौन से हो, किस किस पोस्ट के लिए, डिपार्टमेंट में क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है जी। ये टोटल 15 पेज की PDF फाइल रहेगी, इसको आप ध्यान से डाउनलोड करके देख सकते हो अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं आप इसे अप्लाई कैसे करोगे, आपकी क्या इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, ठीक है जी। एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, आपकी 1,000 रुपये फ़ीस रहेगी अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है जी। और नो फीस बिल विचार, यानी कि SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है जी। वंस फीस पेड नॉट बी रिफंडेबल, फीस रिफंडेबल नहीं होगी, और जो आपको पेमेंट है ना उसका DD डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी पेबल एट हैदराबाद, ठीक है जी। इसका आपको DD बनवाना पड़ेगा फेवर ऑफ रजिस्ट्रार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। इसका आपको DD बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये आप दे सकते हो, इसमें आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, ठीक है जी। साइट दे सकते हो www.efluniversity.ac.in पे विजिट करके एप्लीकेशन परफॉर्मर डाउनलोड करोगे और उसको भर के, और आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, टेस्टिमोनियल और एक्सपीरियंस है जो भी आपके DMC है, क्वालिफिकेशन PhD है, थीसीज है, उनकी फ़ोटोकॉपी
जो भी आपको इनिशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको साथ में अटैच करके और एनवलप लिखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो मस्ट बी सेंड एट द रजिस्ट्रार द इंग्लिश एंड फॉरगेन यूनिवर्सिटी नियर तरांका हैदराबाद। ये आपका पिन कोड दे रखा, ठीक है जी। और आपकी एप्लीकेशन पहुँचनी चाहिए 15 जून से पहले, शाम के 6 बजे से पहले पहुँच जानी चाहिए, ठीक है जी। और इसमें आप देख सकते हो पूरी डिटेल दी हुई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।